वो मुझे चाय ना पिलाए कुछ ना पूछ, मैंने देखा था कितना बेकार है। यहाँ नहीं बेकार है, आए हैं कि बैठने को बोले पानी पिलाए। तो गाइस ये मेरी लाइफ का पहला अवार्ड है और आप बताना आपको ये अवार्ड कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हो गए थे ड्रामे खत्म? क्या हो गया है पूरा दिन अवार्ड को लेके बैठी रहेगी क्या? चीकू के पापा का अवार्ड है, तेरा नहीं है। तो चीकू के पापा भी तो मेरे ही है। दहेज में लेकर आई थी क्या? दहेज में आई थी मैं उनके, दहेज से लेकर आई थी। दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह सुबह पागल रिश्तेदार आने वाले, घर पे लोग आने वाले, पापा मम्मी आने वाले, मासी आने वाले, कल चालू। रिश्तेदार तेरे आ रहे हैं, मेरे थोड़ी आ रहे हैं। कर काम पारी। बेबी शावर सिर्फ मेरा नहीं है, तेरा भी है। तेरी शादी में मैंने काम करा था, शादी तो मेरी नहीं थी, तेरी भी थी ना। जब तेरी शादी हुई थी तो सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी ना। अरे गोलू क्या हो गया? भाभी आप चुप रहो, आप बीच में मत बोलो प्लीज। पागल है क्या? तमीज नहीं बात करने की? उनको मैंने देखा था। क्या देखा था? उनको मैंने देखा तेरे साथ कैसा बिहेव कर रही थी। आप वही हो ना जिसने इसको चाय नहीं पिलाई थी? नहीं मैंने चाय नहीं पिलाई। तुझे क्या दिक्कत है? वो मुझे चाय ना पिलाए कुछ ना पूछे, मतलब तेरे फेवर में बोलो तो गलत, अगर तेरा अगेंस्ट बोलो तो गलत। नहीं तुझे क्या दिक्कत है यार? आपस में थोड़ा सा। अच्छा भाभी एक बात बताओ, घर की हालत देखो, वहाँ कंबल पड़े। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरा तो कोई रिलेटिव नहीं आ रहा है। तेरे तो रिलेटिव है ही नहीं, तो आएंगे क्या? तो मेरे मेरा कुनबा पता कितना बड़ा है। तो बुला लेना अपने कुनबे को। नहीं बुलाती मैं अपने कुनबे को। तू तेरा कुनबा है ना बहुत, तेरा कुनबा है बहुत। हाँ देख ले मम्मी आ गई है, क्या सुन रही है देख ले। मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, तू ही लड़ रही है मेरे से। ये कोई तमीज है तुम्हें? घर में अरे खड़े हुए इसकी मम्मी, असलिए देख लो। वैसे आपको मम्मी मम्मी बोलती है, मैंने बोला मम्मी आ रही है काम करवा ले तो कह रही तेरी माँ आ रही है। कितना भेदभाव करती है तू। नीचे का पूरा घर मैंने सेट करवा रखा है। अगर एक बात बोलूं, अगर मम्मी नहीं होती ना, मैं नहीं होती, तेरे फेरे नहीं होते। मैंने करवाए तेरे फेरे पिछले साल, याद है ना? शादी का पूरा ताम झाम तो तूने ही करवाया ना है? कन्यादान तो मैंने बोल के करवाया है बस। मैंने देखा था कितना अच्छे से बेकार है। यहां नहीं बेकार है, मैं तो आपको कह रही थी बेकार है तुम्हारे यहां। अरे नहीं चलो चलो, तू भी चल इस बारी। तेरी वजह से हो रहा है सब, तेरी वजह से हो रहा है। देख देख तू यार, बिना कुछ होता बेइज्जती करवा रही है, ड्रामा देख रही है। भाभी आप तो बड़े हो, आप तो समझाओ। भाभी क्या बोले कि भाभी के पीछे क्यों पड़ गई है? एक मिनट मैं उसको समझा दूंगी, आप तो थोड़ा शांत रहोगे। एक आप छोटे हो तो छोटो थोड़ा शांत रहना। भाभी प्लीज मुझे मत बताओ छोटा कौन है बड़ा कौन है। बड़ी छोटी मैं हूँ, पर ना दिमाग मेरा ये अभी ये भी शर्म भाई। दोनों को तमीज नहीं है कि आए हैं कि बैठने को बोले पानी पिलाए, बाकी कुछ भी नहीं है। लड़ रहे हैं उन्होंने बच्चे के लिए, ऐसा नहीं तो क्या करें? फेंकेंगे और क्या करेंगे? इसकी वजह से हुआ है तो उनको मत बोल, ठीक है ना? वैसे तो मम्मी मम्मी करती है। 8 बजे के निकले हैं, धक्के थक्के आ रहे हैं, यहाँ घर में आए हैं। ये नहीं किया गेस्ट को पानी पूछूं कुछ पूछूं। मम्मी आई है, तमीज नहीं है क्या? बोलते उसको बोलो ना। अभी कौन चिल्ला रहा था ज्यादा? चिल्ला मैं इसलिए आज घर में फंक्शन है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे पता है 3:30 बजे के बॉर्डर करने के लिए हम तमीज नहीं है क्या? मम्मी एक थप्पड़ आप भी देंगे। नहीं नहीं हम लड़कियों के बारे में नहीं हाथ लगाते। कोई बात नहीं, आपका हक है। अच्छा सॉरी बोलो, मुझे भी बोलो। मैं नहीं बोल रही सॉरी, गलती से बेइज्जती कर लेना जब मेरा खून खोल गया। मतलब अभी बताता हूँ इनको, इनका तो खून खोला, मेरा कान लाल हो गया। थोड़ा 2 मिनट लगी है, लेकिन आपने पहले क्यों बताया भी? कुछ खराब ना खतरनाक एक्टर है, मजा आ गया। गाइस बहुत जोर से थप्पड़ लगा है और कान लाल हो गया है, तो इस प्रैंक को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाओ। और अरमान जी ने मुझे थप्पड़ मारा है, कमेंट करना, शेयर करना और जितना हो सके ना उतना प्यार देना इस वीडियो को। मस्ती किया करो यार, देखो हमारा मकसद रह जाएगा एंजॉयमेंट, हंसाना आप लोगों को। और बस शुक्रिया आज तक वाले छाप देते हैं हमारे हर चीज। नहीं अब ये भी आएगा कि अरमान ने अपनी पहली बीवी को मारा दूसरी बीवी के लिए। नहीं नहीं अच्छा पहली को ही मारा पर नहीं दूसरी को ही मारा पर लगा नहीं ना मुझे। मैं पहली को भी मारा दूसरी को भी मारा, ये इसको थोड़ा लग गया, इसको आवाज आई थी।